नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360। मैं हूँ स्वाति रायना। बुलेटिन की शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज से। सरकार ने जीएसटी बिल को पास कराने के लिए शीतकालीन सत्र को जल्दी बुलाने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक सरकार 7 नवंबर से शीतकालीन सत्र बुला सकती है। दरअसल सरकार जीएसटी बिल जल्द से जल्द पास कराना चाहती है, जिसके लिए शीतकालीन सत्र को जल्द बुलाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की बैठक में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के टैक्स केंद्र के पास जाएंगे, जबकि इससे कम के टैक्स राज्यों को पास जाने पर फॉर्मूला बनाया गया है, लेकिन राज्यों ने इस फॉर्मूले पर सहमति नहीं जताई है। तो शीतकालीन सत्र को जल्द बुलाने की बात सामने आ रही है, क्योंकि जीएसटी बिल को पास कराना है और सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मेरे सहयोगी तरुण से बात करते हैं। तरुण, ये तो साफ हो गया है कि शीतकालीन सत्र जल्दी हो सकता है, 7 नवंबर डेट पर क्या मोहर लग गई है और वजह जीएसटी ही बताई जा रही है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि सरकार इस बार जीएसटी पर विस्तृत चर्चा करना चाहती है। जीएसटी काउंसिल में जिस तरीके की स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी असहमति जता रहे हैं, उसकी वजह से सरकार चाहती है कि जीएसटी पर विस्तृत चर्चा हो। इस वजह से जो शीतकालीन सत्र है उसको 19-20 नवंबर की जगह अब 7 नवंबर को शुरू करने की सरकार की योजना है, जिससे ज्यादा समय मिल सके सरकार को अपनी बात रखने का। और एक जो और बात जीएसटी काउंसिल के अंदर जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि जो स्टेट है वो इस बात पे असहमत है, क्योंकि सरकार ने कहा था कि 1.5 करोड़ से ज्यादा का जो कंपनी टैक्स गवर्नमेंट के अधीन आ जाएंगी, और जो 1 करोड़ से नीचे का जो टैक्स भरती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट उनसे रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा। लेकिन जो स्टेट्स हैं वो ये चाहते हैं कि जो 1.5 करोड़ से ऊपर का भी जो रेवेन्यू जो टैक्स हो रहा है उसमें भी उनकी भागीदारी हो। तो ये कई ऐसे मुद्दे हैं, पेचीदे मुद्दे जिसपे सरकार चर्चा करना चाहती है। इस वजह से जो शीतकालीन सत्र है उसको जल्दी बुलाए जाने की संभावना है। जी, बहुत शुक्रिया तरुण शर्मा इस पूरी एक्सक्लूसिव खबर पर और अपडेट के लिए। सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है कि 7 नवंबर से जीएसटी बिल को पास कराने के लिए ही जल्द शीतकालीन सत्र बुलाया जाएगा और पूरी तरह सरकार की तैयारी यहां पर नजर आ रही है और विस्तृत इस पर चर्चा करने की तैयारी है शीतकालीन सत्र में। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, और कल आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा करेगा। आम लोगों को फेस्टिव सीजन में दिवाली से पहले सस्ते होम लोन और कार लोन का तोहफा मिल सकता है। आरबीआई की कल पेश होने वाली मॉनेटरी पॉलिसी ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा जब ब्याज दरों पर फैसला आरबीआई गवर्नर नहीं बल्कि 6 सदस्यों वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करेगी। हालांकि पूरी प्रक्रिया में आरबीआई गवर्नर की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। टाई होने की स्थिति में आरबीआई गवर्नर के वोट के आधार पर अंतिम फैसला होगा। कल पहली बार क्रेडिट पॉलिसी 2:30 बजे पेश होगी। आरबीआई की कल पेश होने वाली मॉनेटरी पॉलिसी ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि ये पहली बार होगा जब ब्याज दरों पर फैसला आरबीआई गवर्नर नहीं बल्कि 6 सदस्यों वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करेगी। हालांकि पूरी प्रक्रिया में आरबीआई गवर्नर की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। टाई होने की स्थिति में आरबीआई गवर्नर के वोट के आधार पर अंतिम फैसला होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में ब्याज दरें घटाने पर फैसला लिया जाएगा? जी बिजनेस के पोल में शामिल 55% बैंकर्स का मानना है कि ब्याज दरों में कटौती हो सकती है, जबकि 40% बैंकर्स का कहना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपनी पहली क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा में ब्याज दरें नहीं घटाएगी। 5% बैंकर्स ने ब्याज दरों में कटौती को लेकर कोई राय नहीं दी है। पोल में शामिल जिन बैंकर्स ने ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद जताई है, उनमें से 95% का कहना है कि ब्याज दरें 4.5% तक घट सकती हैं, जबकि 5% को उम्मीद है कि ब्याज दरों में 0.5% की कटौती हो सकती है। Research, we do see inflation trending down, especially up to December, because of the base effect. From January again, there might be a slight uptrend, but we still do believe that inflation will be 5% or sub 5% by March 2017, and therefore well within the glide path indicated by the central bank. So that being the case, we do believe that the accommodative stance has a very good chance of continuing. Inflation नीचे आया है, मतलब अभी 5 से नीचे आया और एक्सपेक्टेशन है कि और भी नीचे जाएगा, तो चांस ऑफ अ रेट कट इन अक्टूबर पॉलिसी में काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। तो आई टू एक्सपेक्ट कि एक रेट कट हो सकता है अक्टूबर पॉलिसी में, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट एक्सपेक्टेड है।
दिसंबर में हम सीपीआई को 4.5% के आसपास देखें, 4.5 से 5 के बीच में, तो आरबीआई मेरे ख्याल से संतुष्ट रहेगी उसको देखकर। इसलिए एमपीसी की जो आगे आने वाली मीटिंग है, यानी मंगलवार को जो बैठक होनी है, उसमें पूरी पूरी संभावना है कि इस पर पूरा इसका विश्लेषण लेते हुए एक निर्णय लिया जाए। अच्छे मॉनसून और महंगाई दर के काबू में रहने की उम्मीद है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ब्याज दरें घटा सकती है। बैंकर्स का मानना है कि मॉनसून सामान्य रहने से महंगाई कंट्रोल में है, साथ ही कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कंपनियों की विस्तार योजनाएं भी गति नहीं पकड़ पा रही हैं। लोन ग्रोथ भी कमजोर है। अगस्त में रिटेल महंगाई दर 5.05% रही है। फॉर्चुनेटली मानसून अच्छा गया है, होपफुली क्रॉप अच्छी आएगी, और अच्छी क्रॉप होने से इन्फ्लेशन को कंट्रोल मिल सकता है। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा तो ये तो कॉन्फिडेंस है कि आरबीआई विल कंसिडर दैट। लोग तो सजेस्ट यही करेंगे कि रेट कट करना चाहिए, क्योंकि लिक्विडिटी है मार्केट में अभी, और प्रोजेक्ट्स वगैरह मेक इन इंडिया यदि उसको एक्चुअली में रियलिटी बनाना है, तो उसके लिए यदि इंटरेस्ट रेट्स हाई होंगे तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, वो नए प्रोजेक्ट के बारे में नहीं सोच सकते, तो इसी के कारण से रेट कम करना जरूरी है। यानी आपको दिवाली से पहले सस्ते होम और कार लोन का तोहफा मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहां तक कि जी बिजनेस के पोल में बैंकर्स ने भी माना है कि कटौती हो सकती है कल जो क्रेडिट पॉलिसी कल आने जा रही है। मेरे सहयोगी अनुराग से बात करते हैं। अनुराग, एक्सपर्ट्स इस पर और क्या कह रहे हैं, ब्याज दरों में अगर कटौती होती है तो ट्रेंड क्या कह रहा है कि कितनी परसेंट तक कटौती हो सकती है, कुछ राहत मिलेगी? जी बिल्कुल, जैसा कि जी बिजनेस के पोल के अंदर 55% बैंकर्स ने यही कहा है कि कल की जो पॉलिसी है उसमें 4.5% तक की ब्याज दरों में कटौती हो सकती है, क्योंकि अब मैक्रो इंडिकेटर जो हम देखें पिछले कुछ महीनों के अंदर, जो महंगाई है वो महंगाई हल्की हुई है, 5% के करीब है, जो कि आरबीआई का जो टारगेट है जनवरी तक का, तो उससे मेल खाती है। इसके अलावा जो दूसरे और फैक्टर्स है, जैसे ग्रोथ पे दबाव जारी है, और जो क्वार्टरली रिजल्ट्स रहे कंपनियों के वो भी काफ़ी कमज़ोर रहे हैं, बैलेंस शीट जो है कंपनियों की वो इतनी अच्छी नहीं दिख रही है, तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए, क्योंकि आरबीआई का हमेशा से स्टांस रहता है ग्रोथ और महंगाई इसमें बैलेंस रखना, और जहां तक महंगाई की तरफ से कुछ राहत के संकेत दिख रहे हैं तो ग्रोथ को बूस्टर देने के लिए ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, सबका मानना है कि कल की जो पॉलिसी है उसके अंदर 4.5% तक की कटौती हो सकती है। उर्जित पटेल की ये पहली पॉलिसी होगी, हालांकि हमें ये जो पॉलिसी में जो ब्याज दरें हैं वो पूरी 6 मेंबर कमिटी है वो तय करेगी, लेकिन अभी तक का ये ट्रेंड ये रहा है कि आरबीआई गवर्नर पहली पॉलिसी जब भी होती है उसमें ब्याज दरों में कटौती नहीं करते हैं, लेकिन जो इंडिकेटर्स अभी दिख रहे हैं उन सभी इंडिकेटर्स को देखते हुए ये पूरी तरह से संभावना जताई जा रही है कि कल की रिजर्व बैंक की पॉलिसी के अंदर 4.5% तक की दरों में कटौती हो सकती है, और फेस्टिव सीजन में हर किसी को वो गिफ्ट मिल सकता है। बहुत शुक्रिया अनुराग इस पूरी खबर पर और बातचीत के लिए आपका। तो उम्मीद तो सभी की है, लेकिन आप पर इसका कितना असर पड़ने जा रहा है, क्या वाकई इस दिवाली आपका कर्ज सस्ता होगा, इस पर थोड़ा डिटेल्स में अगर आंकड़ों के जरिए आपको बताएं तो कहा जा रहा है, जो हमने भी ओपिनियन पोल किया था उसमें 4.5 से 0.5% तक की जो ब्याज दरें घटने की बात जो सामने आ रही है, कल ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन ईएमआई पर कितना फर्क पड़ेगा? 4.5% अगर ब्याज दरें घटती है तो 20 लाख के होम लोन पर आपको कितना फर्क पड़ेगा? 9.5% के ब्याज दर के हिसाब से ईएमआई आपकी बनती है 18,643 रुपए, लेकिन इस कटौती के साथ, 4.5% की कटौती के साथ 18,317 रुपए आपकी मंथली ईएमआई बनेगी, तो हर महीने बचत आपकी होगी 20 साल के होम लोन पर 326, और सालाना बचत होगी 3,912 रुपए की। इतना फर्क आपको पड़ेगा होम लोन पर, लेकिन अगर 0.5% की ब्याज दरें घटती हैं तो 20 लाख के होम लोन पर कितना फर्क? 9.5% के हिसाब से 18,643 रुपए का ईएमआई आपका बनता है, 20 साल के होम लोन पर 9% के हिसाब से 17,995 रुपए आपकी ईएमआई बनेगी, तो इस हिसाब से आपको जरूर फर्क पड़ेगा, हर महीने 648 रुपए की बचत, और सालाना की बात करें तो 7,776 रुपए की बचत आपको होगी। अब अगर गाड़ी का लोन ले रखा है तो वहां पर कितना फर्क पड़ेगा? 10.5% 4.5% ब्याज दरें घटने पर 10,685 रुपए की ईएमआई जो आपकी बनती है वो 9% के ब्याज दर के हिसाब से 17,995 रुपए हो जाएगी 5 साल के गाड़ी के लोन पर, और हर महीने की बचत 61 रुपए, जो कि कुछ ज्यादा नहीं है।
ये बहुत माइनर सी बचत आपको होगी, सालाना कहें तो 732 रुपए ही है। लेकिन अगर आधा परसेंट ब्याज दरों में कटौती की जाती है कल की मॉनिटरी पॉलिसी में, क्या उसमें वाकई आपको फर्क पड़ेगा? इस पर भी हमने आपको बताया कि आखिरकार कितना ज्यादा इस बार दिवाली कर सस्ता हो सकता है। हालांकि इस पर मेगा कवरेज जी बिजनेस कल दिन भर दिखाता रहेगा। चलिए मुंबई से खबर आ रही है जहां पर अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान सीधे घर पर आ जाएगा। मुंबई पुलिस ने करीब 80% शहर के हिस्से को सीसीटीवी के दायरे में ला दिया है। अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सीसीटीवी फुटेज की निगरानी करके पुलिस चालान गाड़ी मालिकों के घर पर ही भेज देगी। मुंबई में अगर खाली सड़क देखकर ओवर स्पीडिंग की या फिर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा तो पुलिस को तुरंत खबर लग जाएगी। करीब 4700 सीसीटीवी कैमरे की मदद से मुंबई पुलिस ने शहर के 80% इलाकों पर निगरानी शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस ने 1510 भीड़ वाली जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर गाड़ी का नंबर प्लेट तुरंत कैमरे की मदद से पता चल जाएगा। उसी वक्त नंबर देखकर डिजिटल चालान भी जारी हो जाएगा। सीसीटीवी का जाल बढ़ने से पुलिस को अपराधियों पर नजर रखने में मदद मिलेगी। संपूर्ण मुंबई ही सीसीटीवीच्या सर्विलांस खाली आणण्याचं काम हे या ठिकाणी सीसीटीवी से निगरानी का काम हमने शुरू किया है। इसमें पहले की सरकार ने 5-5, 7-7 साल फैसले करने में लगा दिए थे। हमने 1.5 साल में न केवल फैसला किया बल्कि इस बार अमल भी कर दिया। फिक्स्ड कैमरे के अलावा शहर में 5 मोबाइल मॉनिटरिंग यूनिट भी निगरानी करेगी। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग एक साथ कई जगहों पर दिखेगी। मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के अलावा पुलिस कंट्रोल रूम, इलाके के डीसीपी ऑफिस और पुलिस स्टेशन में फुटेज रिले होंगे। सामान्य तौर पर हर सीसीटीवी फुटेज 30 दिन तक रिकॉर्ड में रहेगी। जरूरत पड़ने पर इसे 6 महीने तक बचा कर रखा जा सकेगा। सभी कैमरे इस तरह होंगे कि 360 डिग्री कवरेज करेंगे और नाइट विजन की भी सुविधा होगी। लंबे इंतजार के बाद मुंबई में सीसीटीवी कैमरास का दायरा बढ़ने वाला है और हर जगह सीसीटीवी इंस्टॉलेशन के बाद ह्यूमन इंटरवेंशन काफी हद तक कम होगा और हर किसी के मन में ये डर रहेगा कि अगर वो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पूरी तरह से डिजिटली इस प्रोसेस को सक्सेसफुली किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मुंबई पुलिस का ये प्रोजेक्ट 2008 के हमले के वक्त बना था लेकिन अमल अब हो पाया है। प्लान के मुताबिक कुल 6000 सीसीटीवी कैमरे लगने थे लेकिन अब भी करीब 1300 कैमरे लगने बाकी हैं। राज्य सरकार नवंबर तक पूरे शहर को सीसीटीवी के दायरे में लाने की कोशिश कर रही है। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। दिल्ली के बाद मुंबई में भी सीएनजी और पीएनजी सस्ती हो गई है। महानगर गैस ने मुंबई में दरों में कमी की है। मुंबई में सीएनजी के दाम में 1.06 रुपए प्रति किलो, पीएनजी के दाम में 1.01 रुपए प्रति यूनिट की कटौती की गई है। नई दरें आज से ही लागू हो जाएंगी। और मुंबई में अब सीएनजी 39.97 रुपए प्रति किलो, पीएनजी 23.92 रुपए प्रति यूनिट की दर पर मिलेगी। पिछले हफ्ते ही नेचुरल गैस कीमतों में 18% कटौती की घोषणा के बाद कंपनियां सीएनजी पीएनजी के दाम में कटौती कर रही हैं। राजधानी दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में रेस्टोरेंट और पब्स पर लगाम कसने की तैयारी है। कनॉट प्लेस में इमारतों की छतों पर चल रहे रेस्टोरेंट और पब बंद हो सकते हैं। दरअसल इलाके के हेरिटेज बिल्डिंग्स को बचाने के लिए एनडीएमसी ये कदम उठाने जा रही है। दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में रूफ टॉप ईटरीज यानी इमारतों की छतों पर चलने वाले रेस्तरां और पब बंद हो सकते हैं। एनडीएमसी का मानना है कि रेस्तरां और पबों से इन ऐतिहासिक इमारतों को खतरा है। न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने एनडीएमसी से शिकायत की थी कि छतों से पानी रिसने से बिल्डिंग्स को नुकसान हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए एनडीएमसी ने रूफ टॉप ईटरीज को बंद करने का फैसला किया है। पिछले साल एनडीएमसी ने छतों पर रेस्तरां का विस्तार करने वाले 13 कैफे को बंद किया था। मेरे हिसाब से तो बुरा ही होगा क्योंकि रूफटॉप रेस्टोरेंट की बात ही अलग होती है, एक फील अलग आती है वहाँ पे एंजॉय करने की। हियर टू एंजॉय द व्यू एंड यू नो टू हैव अ लुक टू द एंटायर सीपी, सो आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर द यंगस्टर्स आल्सो टू कम एंड एंजॉय पास देयर टाइम हियर, सो इट शुड नॉट बी क्लोज्ड। सर बिल्कुल बुरा है, उसके ज्यादा जैसे मैं वहाँ पर जाता हूँ ना जितना एंजॉय करता हूँ उसके अलावा मैंने कहीं भी एंजॉय नहीं किया। मैं तो चाहता हूँ कभी भी बंद ना हो। रूफटॉप रेस्टोरेंट नहीं बंद होना चाहिए बिकॉज एज अ कस्टमर हम जब भी आते हैं, सर्दियों का मौसम है, सीपी इतनी अच्छी व्यू है सबकी, सेंट्रल पार्क है, आपके झंडा आपके आगे है, हम चाहते हैं कि आराम से बैठे उसे व्यू की मजा लें।
दिल्ली सरकार एनडीएमसी के इस अभियान का विरोध कर रही है। दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा का कहना है कि रेस्तरां शहर का आकर्षण होता है और इन्हें बंद करने के बजाय प्रोत्साहित करना चाहिए। दिल्ली सरकार के मुताबिक वो रूफटॉप रेस्टोरेंट को जारी रखना चाहती है बाकायदा इसमें नियम कायदे कानून शामिल करके, लेकिन फिलहाल एनडीएमसी डिटेल्ड एक्शन प्लान तैयार कर रही है और उसके बाद बहुत जल्द दिल्ली के दिल कैनॉट प्लेस में रूफटॉप रेस्टोरेंट बंद किए जा सकते हैं। कैमरामैन लेखराज के साथ समीर दीक्षित, दिल्ली, जी मीडिया। एयर एशिया ने फेस्टिव सीजन को देखते हुए सस्ते टिकट्स की पेशकश की है। ईयर एंड सेल के तहत एयर एशिया ने सिर्फ 899 रुपए में हवाई टिकट का ऑफर दिया है और इस ऑफर के तहत 4 अक्टूबर से 27 अप्रैल 2017 के बीच यात्रा के लिए 16 अक्टूबर तक आपको टिकट की बुकिंग करनी है। गुवाहाटी इम्फाल रूट पर सबसे कम 899 रुपए टिकट का ऑफर है। बेंगलुरु कोची रूट पर 999 रुपए का ऑफर है। वहीं बेंगलुरु चंडीगढ़ रूट पर 3399 रुपए टिकट का ऑफर है। 8 अक्टूबर के एयर एशिया कोची हैदराबाद रूट पर उड़ानें शुरू ये कर रही है और इस रूट पर 2699 रुपए टिकट का ऑफर है और ये सभी ऑफर ऑल इंक्लूसिव है, यानी इस पर अलग से कोई टैक्स या फिर सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा।